हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का दस्तक एकेडमी के चैनल पर। गाइस, इस वीडियो में हम सभी लोग बात करेंगे इकोनॉमी के टॉप 40 महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक है, यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था के 40 महत्वपूर्ण प्रश्न जो गाइस किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लो, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना है। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है, और फटाफट प्रश्नों के आंसर बताते रहना है कमेंट सेक्शन में, कमेंट में, ठीक है। चलिएगा इस क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। धांसु प्रश्न रहने वाले सभी प्रश्नों को आप सभी लोग रट्टा मार लीजिएगा, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन क्या बना, अच्छा क्वेश्चन रहने वाला, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन देखिए आप सभी, मेक इन इंडिया का लोगो क्या है गाइस, मेक इन इंडिया का लोगो क्या है गाइस, बताना है इसमें से। फर्स्ट का करेक्ट है इसका सी, शेर है, ठीक गाइस, याद रखिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है इसका, शेर, ठीक, मेक इन इंडिया का लोगो शेर है, ऑप्शन सी के साथ इसका उत्तर मैच कर रहा है। अगला प्रश्न क्या है देखिए आप सभी, सेकेंड क्वेश्चन क्या बना है, भारतीय रुपये का प्रतीक चिन्ह क्या है गाइस यहाँ पर, ठीक है, भारतीय रुपये का प्रतीक चिन्ह क्या है, ठीक। तो गाइस क्या होता है भारतीय रुपये का प्रतीक चिन्ह, ऑप्शन डी के साथ इसका मैच कर रहा है, ये होता है देखिए आप सभी, रुपए का चिन्ह बना हुआ है, ठीक, रारसा बना हुआ है, कटा हुआ है, ठीक, याद रखिए ऑप्शन डी इसका मैच कर रहा है। अगला प्रश्न क्या बना देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की व्यवस्था है, ठीक, भारतीय जो अर्थव्यवस्था है ये किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है, बताना है इसमें से। तीसरे का करेक्ट है इसका डी, मिश्रित अर्थव्यवस्था, याद रखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, मिश्रित अर्थव्यवस्था भारतीय अर्थव्यवस्था, ठीक। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बना देखिए आप सभी लोग, भारत की कुल श्रम शक्ति का लगभग कितना प्रतिशत भाग कृषि में लगा है गाइस, भारत की कुल श्रम शक्ति का लगभग कितना प्रतिशत भाग कृषि में लगा हुआ है, ठीक। तो गाइस राइट इसका चौथे का ऑप्शन ए के साथ मैच कर रहा है, ठीक, याद रखिए ए करेक्ट है, ठीक। और कुल प्रश्नों में से कितने सही कर पा रहे हैं ये भी कमेंट सेशन में कमेंट करते रहिए आप सभी लोग, ठीक। अगला प्रश्न क्या है देखिए, भारत में अधिकतम बेरोजगारी है, किस प्रकार की बेरोजगारी है भारत में अधिकतम, तो फाइव का करेक्ट है इसका डी, संरचनात्मक, ठीक, ऑप्शन डी इसका मैच कर रहा है, संरचनात्मक बेरोजगारी है भारत में, ठीक, याद रखिए इसको ऑप्शन नंबर डी इसका मैच कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बना देखिए आप सभी लोग, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ पर स्थित है, डिफरेंस बताते रहो आप सभी लोग, बहुत अच्छे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान हैदराबाद में स्थित है, बी के साथ इसका उत्तर मैच कर रहा है, ऑप्शन बी राइट है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बना है, अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था गाइस, अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य था क्या था, तो गाइस सेवन का करेक्ट है डी, गरीबों में सबसे अधिक गरीब की मदद करना, ठीक, जो गरीब होते हैं उनसे भी गरीब जो होते हैं निचले वर्ग के उनकी मदद करना होता है अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य, ठीक, ऑप्शन डी मैच कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गरीबी रेखा से नीचे जनसंख्या के न्यूनतम प्रतिशत है, गरीबी रेखा के नीचे जनसंख्या का न्यूनतम प्रतिशत किस राज्य का है, बताना है इससे, तो एट का करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर डी, गोवा राज्य का, डी इसका मैच कर रहा है, याद रखिए गोवा राज्य इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक, ऑप्शन डी मैच कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बना देखिए, कौन सा कार्यक्रम ग्रामीण भारत में गरीबी दूर करने हेतु था, कौन सा कार्यक्रम था ग्रामीण भारत में गरीबी हेतु दूर करने हेतु, ठीक, तो नवे का करेक्ट है इसका डी, ये सभी थे, ठीक, ऑप्शन डी करेक्ट है, यानी कि IRDP, TRYSEM और NREP, ठीक, ऑप्शन डी इसका मैच कर रहा है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बना देखिए, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसका वार्षिक प्रकाशन है गाइस, फ्रेंड्स बताते रहो आप सभी लोग करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसका वार्षिक प्रकाशन है, टेंथ का करेक्ट है ए, IBRD, ठीक, IBRD का ऑप्शन ए इसका मैच कर रहा है, याद रखिएगा इस सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में रिपीट हुए हैं, ठीक है, कोई से एग्जाम की आप सभी लोग तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि रेलवे NTPC ग्रुप डी, दिल्ली पुलिस, MP पुलिस, कोई सा भी पुलिस हो, ठीक, या फिर UP पुलिस, ठीक, UP SSC, SSC, कितने भी कम्पिटेटिव एग्जाम में सभी का ऐसे क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं हर बार, ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखते रहिए, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन रहने वाला। अगला क्वेश्चन क्या देखिए, मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री की देन है गाइस, तो गाइस किसकी है, 11 का करेक्ट है इसका डी, महबूब उल हक की, ठीक, ऑप्शन डी इसके साथ मैच कर रहा है, महबूब उल हक की मानव विकास सूचकांक अर्थशास्त्री की देन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बना, इंपॉर्टेंट है देखिए, कौन मानव विकास सूचकांक का हिस्सा नहीं है गाइस, कौन मानव विकास सूचकांक का हिस्सा नहीं है, तो इसका राइट आंसर किसके साथ मैच कर रहा है, डी के साथ, सकल नाम निवेश दर, ठीक है, सकल नाम निवेश दर ये हिस्सा नहीं, ऑप्शन डी इसका मैच कर रहा है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, इसकी फ्री पीडीएफ फाइल पाने के लिए टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप सभी लोग इसका टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर फ्री पीडीएफ फाइल इसकी मिल जाएगी, ठीक। राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला प्रथम राज्य है, राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला प्रथम राज्य कौन था,
तो गाइस 13 का करेक्ट है सी, एमपी था आपका, याद रखिए ऑप्शन सी इसका मैच कर रहा है, एमपी यानी मध्य प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रचिन्न बेरोजगारी को और किस नाम से जाना जाता है, प्रचिन्न बेरोजगारी को और किस नाम से जाना जाता है गाइस। ठीक, 14 का करेक्ट है ए, अल्प बेरोजगारी। ठीक, प्रचिन्न बेरोजगारी को और अल्प बेरोजगारी के नाम से भी जानते हैं, ए इसका मैच कर रहा है ऑप्शन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए आप सभी लोग, देखिए प्रचिन्न बेरोजगारी किसकी एक विशेषता है, प्रचिन्न बेरोजगारी गाइस जो है किसकी एक विशेषता है, सी के साथ इसका उत्तर मैच कर रहा है, ऑप्शन सी राइट है, कृषि की। ठीक है, ऑप्शन सी राइट है। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए भारत के किस राज्य में गरीबों का प्रतिशत सबसे अधिक है, भारत के किस राज्य में गरीबों का प्रतिशत सबसे अधिक है गाइस। तो 16 का करेक्ट ऑप्शन बी के साथ मैच कर रहा है, बी के साथ इसका उत्तर चला जाएगा, ऑप्शन बी राइट है। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य करेक्ट है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, मानव विकास सूचकांक किसने बनाया था, मानव विकास सूचकांक किसने बनाया था, तो 17 का राइट हो जाएगा, UNDP ने बनाया था, ऑप्शन डी इसका मैच कर रहा है, डी के साथ राइट आंसर चला जाएगा, UNDP। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत है, भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत क्या है। देखिए गाइस सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और कम समय में 40 क्वेश्चन कवर करा दिए जाएंगे। ठीक, लगभग 10-12 मिनट में, ठीक, कवर करा दिए जाएंगे। ठीक, तो चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को अभी सब्सक्राइब करके जुड़ जाओ, और इस चैनल पर गाइस इसी तरीके वीडियोज आती रहती है, कम समय में अधिक प्रश्न कराने का टारगेट रहता है। ठीक, तो इसका राइट क्या हो जाएगा, 18 का ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक, सेवा क्षेत्र ऑप्शन बी के साथ इसका उत्तर मैच कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है, हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है गाइस। तो 19 का करेक्ट है इसका बी, राष्ट्रीय आय से। ठीक, हिंदू वृद्धि दर राष्ट्रीय आय से संबंधित है, बी इसका मैच कर रहा है, याद रखिए। ठीक, राष्ट्रीय आय। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO की स्थापना कब हुई गाइस, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO की स्थापना कब हुई। 20 का करेक्ट है बी, बी मैच कर रहा है, ऑप्शन बी राइट है। ठीक, 1951 में, ऑप्शन बी के साथ इसका उत्तर मैच कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए GNP से NNP निकालने के लिए किसको घटाया जाता है गाइस, GNP से NNP निकालने पर किसको घटाया जाता है। 21 का करेक्ट है ए, हास्य को। ठीक, ऑप्शन ए इसका मैच कर रहा है, याद रखिए हास्य। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा चलाना कहलाता है, सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा चलाना कहलाता है, क्या कहलाता है गाइस। जैसे कि आपके अभी हुई थी नोटबंदी, ठीक, तो नई मुद्रा चलाना क्या कहलाता है। 22 का करेक्ट किसके साथ मैच कर रहा है, ऑप्शन बी के साथ, विमुद्रीकरण बोलते हैं उसको। ठीक है, ऑप्शन बी इसका मैच कर रहा है, विमुद्रीकरण। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, मुद्रास्फीति से बाजार की वस्तुएं डैश बाजार की वस्तुओं में क्या इफेक्ट पड़ता है। 23 का किसके साथ मैच कर रहा है, महंगी हो जाती हैं, क्या हो जाती है, महंगी हो जाती है। जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा आप सभी, ठीक है, पसंद आने पर। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए मुद्रास्फीति से किसको लाभ होता है गाइस, मुद्रास्फीति से किसको लाभ होता है। 24 का राइट किसके साथ जा रहा है, श्रेणी को। ठीक, ऑप्शन सी इसका मैच कर रहा है, श्रेणी को। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए भारत में सर्वप्रथम मुद्रा का प्रचलन कब हुआ था गाइस, भारत में सर्वप्रथम मुद्रा का प्रचलन किस वर्ष हुआ था। तो इसका आंसर किसी के साथ मैच कर रहा है कमेंट करके बता सकते हो, ऑप्शन डी इसके साथ मैच कर रहा है, 1806 में। ठीक है, भारत में सर्वप्रथम मुद्रा का प्रचलन 1806 में हुआ था, याद रखिए डी इसके साथ मैच कर रहा आंसर। अगला प्रश्न क्या है, देखिए 26 क्वेश्चन क्या बना, भारत की विदेशी मुद्रा का सर्वाधिक भाग खर्च होता है, भारत की विदेशी मुद्रा का सर्वाधिक भाग खर्च होता है, किस पर खर्च होता है। ऑप्शन सी इसका मैच कर रहा है, पेट्रोलियम के आयात पर। ठीक है, सी राइट है, पेट्रोलियम के आयात पर खर्च होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या बना, देखिए अब तक भारतीय रुपये का कितनी बार अवमूल्यन किया जा चुका है गाइस। ठीक, अब तक भारतीय रुपये का कितनी बार अवमूल्यन किया जा चुका है, यानी कि नए रुपये को पुराने रुपए को नए नोट में चेंजिंग अब किया जा चुका है। ठीक, नोटबंदी इसको बोलते हैं। ठीक, 3 बार किया जा चुका है, पहले 2 बार था, अब 3 बार हो चुका है। ठीक, क्योंकि नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में 2016 में नोटबंदी हो गई थी एक बार और। ठीक, तो याद रखिए ऑप्शन 27 का करेक्ट कर रहा है, सी के साथ मैच कर रहा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बना है, भारतीय रुपये का सर्वप्रथम किस वर्ष अवमूल्यन किया गया, भारतीय रुपये का सर्वप्रथम किस वर्ष अवमूल्यन किया गया। तो गाइस याद रखिए 28 का राइट हो जाएगा, 1949 में किया गया सबसे पहली बार। ठीक है, अवमूल्यन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारतीय रुपये का अंतिम बार अवमूल्यन किस वर्ष किया गया। तो गाइस अभी हाल ही में किया गया, 2-3 साल पहले, 2016 में। ठीक है, माननीय श्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में। ठीक, ऑप्शन डी करेक्ट है, इन्होंने ही लगाई थी नोटबंदी। ठीक, नवंबर के महीने में, वो भी
नवंबर को रात में, ठीक है, याद रखिए ऑप्शन डी इसका मैच कर रहा है, याद रखिए। भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है गाइस, याद रखिए एग्जाम में पूछ लिया जाता है क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है, ठीक है, हर बार रिपीट होता रहता है किसी न किसी एग्जाम में। भारतीय रिजर्व बैंक जो कहलाता है भारत का सबसे बड़ा ये बैंक है, ठीक है, याद रखिए। इसका मुख्यालय मुंबई में है, याद रखिए, ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या मैंने, भारत में किससे बैंकों का बैंक कहा जाता है, ये भी क्वेश्चन रिपीट होता है, इसलिए मैं क्वेश्चन दोनों क्वेश्चनों को पिक करके मैं आप सभी के लिए वीडियोज में डाल दिया हूँ, ठीक है। तो भारत में किससे बैंकों का बैंक बोला जाता है, जाने वाले आप सभी लोग 31 का करेक्ट है इसका, भारतीय रिजर्व बैंक को ही बोलते हैं बैंकों का बैंक, ठीक है, या बैंक सबसे बड़ा बैंक है भारतीय रिजर्व बैंक। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या, देखिए आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो गाइस आ गया क्वेश्चन, देखिए 32 का राइट इसके साथ मैच कर रहा है, ऑप्शन सी मैच कर रहा है, बैंक मुंबई हो जाएगा, ठीक है, मुंबई। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बना है, भारतीय बैंक की अधिकतम शाखाएं कहाँ है गाइस, भारतीय जो बैंकें हैं इसकी अधिकतम शाखाएं किस कंट्री में, किस देश में बताना है, तो इसका आंसर किसके साथ मैच कर रहा है, 33 का करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी यूके, ठीक है, यूके हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी के साथ इसका उत्तर चला जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या, देखिए फेडरल रिजर्व बैंक किस देश का केंद्रीय बैंक है गाइस, याद रखिए फेडरल रिजर्व बैंक जो है किस देश का केंद्रीय बैंक है, ये 34 का आंसर किसके साथ मैच कर रहा है, संयुक्त राज्य अमेरिका का है, ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका का केंद्रीय बैंक है, ऑप्शन बी के साथ इसका उत्तर मैच कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, देखिए भारत में सबसे पहले किसने म्यूचुअल फंड प्रारंभ किया, भारत में सबसे पहले किसने म्यूचुअल फंड स्टार्ट किया फिर प्रारंभ किया, जिस भाई बंदे को बहन को पता हो अंकल को पता हो तो प्लीज़ कमेंट करके कमेंट जरूर बताइएगा, ठीक, कमेंट सेक्शन में। तो चलते हैं देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बना है, तो प्लीज़ आप सभी लोग बताइए किसने सबसे पहले म्यूचुअल फंड की मतलब कि म्यूचुअल फंड स्टार्ट किया, LIC ने, GIC ने, UTI ने या फिर SBI ने, ठीक, कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट जरूर करिएगा आप सभी लोग, ठीक। चलते हैं देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बना है, देखिए भारत का सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड संस्था है, भारत का सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड संस्था कौन सा गाइस, 36 का किसके साथ आंसर मैच कर रहा है, UTI है, ठीक, याद रखिए UTI, ऑप्शन डी के साथ इसका उत्तर मैच कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बुल एंड बियर शब्दावली का संबंध किससे है, बुल एंड बियर शब्दावली का संबंध किससे है, स्टॉक मार्केट से या फिर स्टॉक एक्सचेंज आ जाए तो मैच कर रहा है इसका ऑप्शन ए, ठीक, ए क्लिक करिएगा स्टॉक मार्केट से। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बना है, देखिए कुडनकुलम परियोजना किस राज्य में स्थित है, कुडनकुलम परियोजना किस राज्य में स्थित है, तमिलनाडु में स्थित है, याद रखिए इसका उत्तर ए के साथ मैच कर रहा है तमिलनाडु, याद रखिए ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बना, देखिए अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है गाइस, अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, एडम स्मिथ को बोलते हैं अर्थशास्त्र का जनक, ठीक, याद रखिए इसका उत्तर ए के साथ मैच कर जाएगा, ठीक, एडम स्मिथ अर्थशास्त्र का जनक आ जाए एग्जाम में तो आप सभी लोग एडम स्मिथ को ही क्लिक करिएगा। आज का लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बना, देखिए 40 क्वेश्चन क्या बना है, प्लास्टिक मनी किसे कहते हैं गाइस, प्लास्टिक मनी किसे कहते हैं, क्रेडिट कार्ड, कागजी मुद्रा, बैंक चेक या फिर ब्लैक मनी, ऑप्शन इसका ए के साथ मैच कर जाएगा, क्रेडिट कार्ड को बोलते हैं प्लास्टिक मनी, ठीक, ए मैच कर रहा है इसका, क्रेडिट कार्ड आ जाए या फिर डेबिट कार्ड आ जाए या फिर ATM कार्ड आ जाए इन सभी को बोलते हैं प्लास्टिक मनी, ठीक, ऑप्शन इसका ए मैच कर रहा है। आई होप आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आया, तो वीडियो पसंद तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के पास शेयर जरूर करिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद, थैंक यू।